निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। अभी तक सपा और बीजेपी के बीच सिमटा ये चुनाव कांग्रेस के आ जाने से अब रोचक हो चला है। लखनऊ के हैदरगंज सेकंड वार्ड से सभासद पद के लिए ताल ठोक रहे डोरीलाल यादव का दावा वार्ड में साफ सफाई को लेकर है। उनका कहना है कि वो हैदरगंज वार्ड को लंदन बना देंगे। मुर्गेश्वर हैदरगंज द्वितीय वार्ड से पार्षद प्रत्याशी डोरीलाल यादव जी, जिन्हें कांग्रेस से जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है, ये हाल ही में जो है उनका घोषणा हो जाएगी इनके नाम की। आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं किस प्रकार जो है क्षेत्र की जनता के लिए जो है विकास कार्य करने का दावा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सभासद जी आप बताइए, क्या आपका विकास कार्य है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता भी जाना चाह रहे हैं। सबसे मेहनत तो आज हम जो है इंदिरा जी को जो है पूरे वार्ड की तरफ से नहीं, पूरे लखनऊ की तरफ, पूरे भारत की तरफ से जो है नमन और वंदन अभिनंदन करते हैं। और जो क्षेत्र की बात है, पहले भी हम पार्षद रह चुके हैं, 2006 में बनाए गए थे, उन विकास कार्यों को जनता जान चुकी है, देख चुकी है हम लोगों के कार्यक्रम को। और अब हम जो है हमारे क्षेत्र में पानी की निकासी पूरी तरह से फंस गया है, और पानी निकासी जो है चाहे वो बुद्धेश्वर बिहार की हो, चाहे सोना बिहार की हो, चाहे मायापुरम की हो, हर जगह पानी हर तरह से फंस चुका है। अब हम सबसे पहले तो पानी की निकासी करेंगे, उसके बाद जो है रोडें बनेंगी और बिजली का भी काम कराया जाएगा, जिससे जो है क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी तरह से अपने स्कूल अच्छी तरीके से जा सके। आज पूरे वार्ड में चहला का माहौल बना हुआ है, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बुजुर्गों को रास्ते पे निकलना जो है दुर्बल है। और हम सबसे पहले इस समस्या को हम चाहते हैं कि अब की जीतने के बाद अगर जनता हमको जिताएगी तो फिर हम इसको जो है आदर्श वार्ड बनाएंगे। यह समस्या प्रत्याशी डोरीलाल यादव जी का साफ कहना कि अगर जनता ने इनका साथ दिया तो ये जो है क्षेत्र का विकास कराएंगे, संपूर्ण रूप से विकास कराएंगे और एक अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड भी बनाने का प्रयास करेंगे। 11% के साथ शिवम पांडे की रणनीति अलग।